Good morning. This class is conducted for class 8. So today we'll discuss example number 10. What is example number 10? We already discussed up to example number 9. आपको होमवर्क भी दिया था मैंने एग्जांपल नंबर 9 तक कि आपको कैसे करना है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर बताया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर बताया था और डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर बताया था. तो आपको ये दो चीजें मैंने बताई थी और जो एग्जांपल नंबर 7, 8, 9 जो थे वो किस पर डिपेंड थे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड डिविजन ऑफ रेशनल नंबर. आफ्टर दैट एग्जाम्पल नंबर 10. Example number 10, what is example number 10? See page number 16 and read example number 10. So example number 10 is, chapter aapka kaun sa hai? First chapter. First chapter ka example number 8 hai. Example kya hai? Find kya find karna hai aapko? 3/7 plus 3/7 plus bracket minus 6/11 plus minus 8/21 plus 5/22. So this is your example number 10 and let's see how to solve it. So फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा? आप लोगों को रूल पढ़ाया होगा सेवेंथ क्लास में, बॉडमास रूल. बॉडमास रूल में क्या होता है कि आपको बॉडमास रूल में, ये बॉडमास है. बॉडमास का मतलब क्या है? ऐसे सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ एंड ब्रैकेट. सो दिस इज बॉडमास. यहाँ पे देखो बॉडमास सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन उसके बाद क्या है? डिवीजन एंड देन ऑफ देन ब्रैकेट. तो हमें क्या करना होता है? अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर लिखे हुए हैं और उसको हमें सॉल्व करना, उसका सम फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? उसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले किसको सॉल्व करना होगा? ब्रैकेट को. आफ्टर दैट अगर वहां पर कहीं भी आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या ऑफ, क्या लिखा है? ऑफ लिखा है, तो आप फिर किसको सॉल्व करेंगे? ऑफ को सॉल्व करेंगे. उसके बाद फिर क्या होगा? ऑफ सॉल्व करेंगे. आफ्टर दैट डिवीजन एंड देन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो आपका ये सॉल्व होगा. तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे आपके ब्रैकेट है. ब्रैकेट में भी 4 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं. सबसे छोटा बार ब्रैकेट, बार ऊपर लगा हुआ होता है, उसको सॉल्व करते हैं. उसके बाद होता है स्मॉल ब्रैकेट, जैसे कि यहाँ पर है स्मॉल ब्रैकेट. उसके बाद होता है कर्ली ब्रैकेट एंड देन लॉन्ग ब्रैकेट. तो इन सबको हम सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर तो ओनली स्मॉल ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व स्मॉल ब्रैकेट इन दिस सिंप्लीफाइड. तो आपको क्या करना है? यहां पर देखिए, यहां पे क्या लिखेंगे? 3/7 प्लस, कल मैंने बताया था कि ये देखिए प्लस माइनस कैसे सॉल्व करेंगे. मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि
जो -6/11 और यहाँ पर प्लस है, तो ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव और पॉजिटिव साइन हो तो आपका ब्रैकेट ओपन करने पर नेगेटिव साइन आता है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा और फिर क्या लिख देंगे 6/11, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ भी सेम है नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ भी क्या आएगा नेगेटिव, और यहाँ तो कोई साइन नहीं प्लस ही है तो यहाँ पर प्लस लिख दिया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, आपके पास सारे रेशनल नंबर लिखे हुए हैं, ये न्यूमरेटर है, ये क्या है डिनोमिनेटर 3/7। तो अभी क्या करना होगा, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व किया था, क्या करते थे डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेते थे, सेम इसी तरह यहां पर भी करना होगा कि हमें एलसीएम लेना होगा डिनोमिनेटर्स का, सारे डिनोमिनेटर का। तो हम देखो यहाँ पर साइड में ले लेते हैं एलसीएम, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या है 7, 11, 21 एंड 22। तो एलसीएम लिया, पहले तो 2 से करेंगे तो 7 से नहीं सॉल्व होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किससे करेंगे 3 से, 3, 7 या 21 एंड 11, देन 7 से किया 1, 11, 3 से करेंगे सॉरी, यहाँ क्या आ जाएगा 7 आएगा, तो यहाँ 7 से किया 1 एंड 11, फिर किससे करेंगे 11 से 1, 1, 1, 1, 1, ये आ गया आपका। तो अभी आपको क्या करना है, इन सबका जो आपके आगे प्राइम नंबर्स आए उनको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 3, टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, करेंगे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना है 3 2 6, इतना इधर कितना है 7, 11, 7 जा 77, अब इसका किया 7, 6 जा 42, 4 कैरी 7, 6 जा 42, 42 प्लस 4, 46, तो कितना आ गया आपका एलसीएम 462। तो आपको क्या करना होगा, फिर इसको एक साथ लिखेंगे 462 एलसीएम। फिर मैंने बताया था आपको क्या करते हैं कि वी टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स एंड आफ्टर दैट डिवाइडिंग एलसीएम बाय डिनोमिनेटर, एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, तो डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आएगा, यहाँ पर डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है 462, डिवाइड किया तो 4, 7 जा 42, 4 आया, फिर से 4, 7 जा 42, तो आपका क्वेश्चन क्या आया 72, योर क्वेश्चन इज 77। तो क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर होता है वी डिवाइड वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय क्वेश्चन, तो क्वेश्चन से क्या किया मल्टीप्लाई किया, यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, सेम इसी तरीके से 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 से अगर किया तो देखेंगे 11 से करने पर क्या आ रहा है, इलेवन फोर जा 44, फिर कितना बचा यहाँ पर 2, 11, 2 जा 22, 42 आया क्वेश्चन, क्या आया 42। तो वी मल्टीप्लाई क्वेश्चन इन न्यूमरेटर, तो यहाँ पे क्या किया न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन डिवाइडिंग एलसीएम इनटू दिस डिनोमिनेटर, इससे डिवाइड करके देखेंगे फिर क्या आएगा, फिर डिवाइड करके देखा किससे 21 से 462, तो किया कितना आया 21 2 जा 42, फिर 21 2 जा 42, ये आ गया अपना। तो क्या करेंगे 22 आया, तो 22 का मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, एंड देन 22 का करेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा, तो यहाँ 21 से किया, ठीक है। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिखना है, यहाँ लिखेंगे अभी देखो कितना आएगा 7, 3 जा 27, 7, 3 जा 21 प्लस 2, तो कितना हो गया 23, एंड देन नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन यूज किया 6, 2 जा 12, 6, 4 जा 24 प्लस 1, 25, एंड देन नेगेटिव साइन
तो नेगेटिव साइन ही यूज करेंगे. A2 जा 16 plus 1 17. पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन यूज किया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10. अभी क्या करेंगे, अब सॉल्व करना है ऊपर वाले सारे न्यूमरेटर्स को. ये तो ऐसा ही रहेगा जैसा आपका लिखा हुआ है, वैसे बिल्कुल सेम. अभी क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे. आप किसी भी दो को सॉल्व कर सकते हैं, इन दो को भी सॉल्व कर सकते हैं और इन दो को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे ये होगा कि हमारा जो सम हो जाएगा वो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों पॉजिटिव साइन है, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव है. तो हमें एक ही रूल यूज करना पड़ेगा, रूल नंबर वन. आपको मैंने बताया था रूल नंबर वन में क्या होता है. रूल नंबर वन इज व्हेन ये सारे क्या इंटीजर्स है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव. व्हेन वी ऐड टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव इंटीजर्स, सो वी एडिड देयर वैल्यूज एंड गिव देयर कॉमन साइन. तो क्या होगा, सेम यहाँ पर होगा. तो आपका क्या है कि आपके पास दो यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएंगे, दो नेगेटिव बन जाएंगे, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव बन जाएंगे. तो अभी क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को कर लेते हैं फिर इन दोनों कर लेते हैं. तो देखो इनको करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 5 6 3 2 1 3. ओके, और साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लिख दिया क्योंकि कॉमन साइन लिखना है. उसके बाद यहाँ नेगेटिव भी आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव तो पहले से लिख लेते. अब इसका सम करते हैं, 6 2 8 5 7 12 2 1 3 plus 1 4. तो आपका ये आ गया. ठीक है, और नीचे इसको भी लिख देते हैं 462. अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक नेगेटिव वैल्यू है. सो वी यूज रूल नंबर टू. व्हाट इज रूल नंबर टू, व्हेन वी ऐड वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर, सो वी subtract their values and give the greater value sign. ठीक है, तो क्या करना है हमें इसमें, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों को क्या करना होगा, subtract करना होगा. और फिर greater value कौन सी, ये वाली. तो मतलब पहले से ही लिख लेते हैं नेगेटिव साइन आएगा. तो अभी माइनस करते हैं, 8 में से माइनस किया 6 को तो कितना आया 2. 2 में से 3 को माइनस नहीं करेंगे, बोरो करेंगे तो कितना आएगा 992. और यहाँ कितना आएगा 462. मतलब आपकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव 92 अपॉन 462. तो अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोएस्ट टर्म में भी लिख सकते हैं. क्यों, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ भी 2 है यूनिट प्लेस पर और यूनिट प्लेस पर यहाँ भी 2 है. तो जब किसी भी यूनिट प्लेस पर 2 होता है तो उस नंबर को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से. इनडिविजिबिलिटी ऑफ 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2 व्हेन यूनिट प्लेस हैव 2 0 2 4 6 8, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 2. तो यहाँ पर भी यही सेम कंडीशन है कि यहाँ 2 है वंस प्लेस पर, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो डिवाइड करते हैं 2 से दोनों नंबर्स को, कितना आएगा देखेंगे, 2 4 जा 8 1 बचा 2 6 जा 12 46 आ गया. अभी यहाँ देखते हैं कितना आएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2. तो अभी ये नंबर आपके पास आ गया है. तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर है 46 अपॉन 231. आप देख सकते हैं क्या ये और डिवाइड होगा. तो आपको क्या करना होता है, मैंने बताया था लोएस्ट टर्म में करने के लिए, 2 से नहीं भी कर सकते थे अपन, क्या करते सीधा अगर पूरा लोएस्ट टर्म में लिखना है तो हमने बताया था कि आपके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उसका क्या करते हैं, एससीएफ करते हैं. एससीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. उसके बाद क्या करते हैं, जो आपका आपका एससीएफ आता है अगर उससे डिवाइड करने पर जो भी नंबर आएगा वो आपका क्या होगा, लोएस्ट. ओके, सो देन सी हियर 92 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 462. 462 को 92 से डिवाइड किया तो कितना आएगा देखते हैं, 95 जो क्या होता है 45. तो 5 से डिवाइड करके देखते हैं, 5 2 जा 10, 95 जो 45 45 प्लस 1 46, यहाँ 2 बचा. ठीक है, अभी 92 से करेंगे तो कितना आ गया 92. 2 4 जा 8 2 6 जा 4. मतलब ये है कि आपका 2 LCM है, SCF है, तो अपन को किससे करना है, 2 से ही करना होगा.
ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया था, 46 अपॉन 2, 3, 1. सो दिस इज योर लोएस्ट टर्म. ये आपका जो है वो आपका क्या है, फाइनल आंसर है. आपका फाइनल आंसर क्या है, -46 अपॉन 2, 3, 1. ये आपका फाइनल आंसर है, एग्जाम्पल नंबर 10. तो अभी आपको ये एग्जाम्पल नंबर 10 समझाया. बाकी के जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 10 के बाद, एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12, तो ये भी आपके क्या है, बिल्कुल सेम ही है. एग्जाम्पल नंबर तो हमें क्या करना है, एक नंबर फाइंड करना है उसके बीच में, तो ये वाला मैं आपको बाद में करवाऊंगी. 12 भी उसका जो इसके सेम है बिल्कुल, वो कौन से हैं आपके, एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज ओपन करें. प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट वन में आपको जो होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4. तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको करना है, जिसमें आपको इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस होंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से करना है आपको. तो आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करना, ठीक है. सो योर होमवर्क इज, योर होमवर्क इज Practice to be perfect 1. जो आपका पेज नंबर 17 में है, पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4. तो ये आपका होमवर्क है. ओके, सी यू टुमॉरो.